हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं बकराईद स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार सी मटन की ऐसी रेसिपी जिसे खा के हर कोई आपकी बेहद तारीफ़ करेगा। जी हाँ, एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करेगा, आपको बेहद पसंद आने वाली है ये रेसिपी। जिसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मसाला बनाकर तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है एक बड़ा चम्मच ज़ीरा, एक छोटा चम्मच काली मिर्च और एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया। धीमी धीमी आंच पे इसको हमें रोस्ट करना है, कलर चेंज नहीं करना है। जब इसमें से हल्की हल्की धीमी धीमी खुशबू आने लगे ना, तब तक इसको हम हल्का रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसको हमें पीस लेना है। अब यहाँ पे हमने ऑयल गर्म किया प्रेशर कुकर में, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 10 से 12 ले लीजिए, एक छोटा जायफल, सॉरी दालचीनी का टुकड़ा लेना है, 3 से 4 लौंग ले लेना है, एक बड़ी इलायची लेना है, एक हरी इलायची लेना है, बस ये डालना है। और उसके बाद हमने यहाँ 500 ग्राम मीट लिया है, 500 ग्राम मटर, इसको डाल देना है। और बस पहले तो इसको अच्छे से धुलना है, बाद में इसको हम डालेंगे साबुत मसाले डालने के बाद, और हल्का सा इसको हमें फ्राई करना है करीब 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और हमने ये जो मसाला बनाकर तैयार किया था इसको हमने पीस लिया है। अब उसी जार में हमें करना क्या है, यहाँ पे एक बड़ा प्याज लेना है। अगर आपके पास मीडियम साइज़ की प्याज है तब आप 2 ले लीजिएगा, हमारे पास मीडियम साइज़ की प्याज थी तो हमने 2 प्याज को काटा है। यहाँ 5 से 6 हरी मिर्च ले लेना है, बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, बस हल्का दरदरापन रहना चाहिए इसमें। यहाँ पे देखिए गोश्त काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया है, करीब 4 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हमने यहाँ एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसे हमें भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद हमने ये जो हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसको भी बस हमें अच्छे से गोश्त के साथ में मिला लेना है। सच में बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, बकराईद पे आप बनाइए, किसी को दावत पर बुलाते हैं तब आप इसको बनाकर सबको खिलाएं। अब हमने ये जो मसाला बनाकर तैयार रखा हुआ था, ज़ीरा काली मिर्च और साबुत धनिया का पाउडर बनाया है जो, तो इसको भी हमने इसमें डाल दिया है। और बस थोड़ा सा पानी ऐड करके 5 व्हिसल लगा लीजिए हाई फ्लेम पर, या आप अपने बर्तन के हिसाब से इसको गला लीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर नमक ऐड किया है, आप चाहें तो पहले भी नमक ऐड कर सकते हैं। और बस इसको हमें बढ़िया से भून लेना जब तक कि गोश्त जो है, मटन जो है, इसमें मसाला अच्छे से चिपक नहीं जाता, ऑयल सेपरेट नहीं दिखने लगता, तब तक इसको हमें काफ़ी अच्छे से भूनना है। यहाँ पे हमने करीब 1.5 कप दही लिया है, इसको अच्छे से फेंट लेना है और बस चूल्हे को आप बंद कर दीजिए या लो फ्लेम पर आप दही इसमें ऐड करें और तेज़ी से इसको मिला लें। वैसे आप चूल्हा बंद ही कर दिएगा, इससे क्या होगा, दही फटेगा नहीं, अच्छे से मिला लेना है काफ़ी बढ़िया। इसको हमें पकाना है करीब मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि ये जो दही है डालने के बाद उबाल नहीं आने लगते। और उसके बाद हमने थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है और ये देखिए तेज़ी से चलाते रहना है दही डालने के बाद, इससे क्या होता है दही फटेगा नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया, अगर आपको और ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप इसके साथ हरी मिर्च भी बारीक काट कर डाल सकते हो। ट्रस्ट मी, यकीन करें आपको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी, एक बार ज़रूर बनाइए इस आने वाली ईद पर, या घर में कोई गेस्ट आता है तब आप बनाकर खिलाओ, सबको बहुत पसंद आएगा ये मटन। उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, अब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।